स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक मोनेरा को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, टैक्सोनॉमी से संबंधित मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, कि जितना भी एनिमल्स है या फिर प्लांट है ना, उसको किस तरीके से कैटेगराइज्ड किया गया है, जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, इनको किस वैज्ञानिक ने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था। ठीक है, जैसे कि लिनियस का हो गया, उसके बाद हेकल का हो गया, ठीक है, डुप्ले का हो गया, डुलिटल का हो गया, ग्रे का हो गया, या फिर आपका आर्बिटेकर का हो गया, इन सभी वैज्ञानिक ने जो ऑर्गेनिज्म है उनको कितने किंगडम में डिवाइड करा था, वो सारा का सारा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है मोनेरा, और आपको पता होगा कि मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्बिटेकर के द्वारा जो किया गया था उसका फर्स्ट किंगडम है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग मोनेरा से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उसका पहले थ्योरी देखेंगे, और थ्योरी ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, खास करके रिलेवेंट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोनेरा जगत जो होता है इसके अंतर्गत किस प्रकार के जीवों को रखा जाता है, तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखिए, जो हमारा सेल होता है यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो हो गया आपका यूकैरियोटिक और दूसरा हो जाता है प्रोकैरियोटिक। हमको समझना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है। अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझ जाते हैं तो इसी से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यूकैरियोटिक का मतलब होता है वैसा कोशिका जिसका कोशिकांग वेल डेवलप्ड हो। ओके, यानी कि एक कोशिका में जितने कोशिकांग होते हैं, अगर वो सारा का सारा कोशिकांग अगर किसी सेल में उपस्थित है तब हम उसको बोलते हैं कि वह यूकैरियोटिक कोशिका है। जैसे अगर एक सेल की बात करेंगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा, लाइसोसोम देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, केंद्रक झिल्ली देखने को मिलेगा, कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगा, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। तो अगर ये सारा का सारा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और पूर्ण रूप से विकसित है, ठीक है, तब हम उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, अगर इनमें से कोई भी ऐसा सेल और ऑर्गेनेल्स अगर नहीं है तो हम उसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको अक्सर जगह मिलेगा यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रक पूर्ण रूप में विकसित होता है, ये भी सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोकैरियोटिक वैसे को वहाँ कहा जाता है जिसमें केंद्रक झिल्ली या केंद्रक या फिर केंद्रिका झिल्ली डेवलप्ड नहीं होता है या अब्सेंट होता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब है कि मोनेरा के अंतर्गत जो जीव होंगे उनमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना तो लाइसोसोम होगा, ना तो गोल्जी काई होगा, ठीक है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग होते हैं वो इनमें अब्सेंट होगा। ओके, चलिए, अब दूसरा पॉइंट है, इस जगत के जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। सिंपल सी बात है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स का मैंने विद करेक्टर देखा कि इनमें सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग नहीं पाया जाता है, तो ऑफिशियली बात है कि इसमें कोशिका झिल्ली भी नहीं होगा और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला जीव यही है। ठीक है, देखिए, ये पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जीव है, और पृथ्वी अगर कभी ख़त्म होगी तो यहाँ से सबसे अंतिम में जाने वाला जीव भी यही होगा। अब कहोगे ये कैसी बात हो गई, तो देखो, जीवाणु की अगर हम बात करेंगे तो जीवाणु जितने हैं वो सारा का सारा जीवाणु आपका
मोनेरा जगत से ही बिलोंग करते हैं, जैसे साइनो बैक्टीरिया, आयर्की बैक्टीरिया, ओके, या फिर आपने पढ़ा होगा सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, ठीक है, वो सारा का सारा किससे बिलोंग करता है, मोनेरा से ही बिलोंग करता है, क्योंकि मोनेरा का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होने की वजह से यह किसी भी स्थिति में कहीं पर भी ये सर्वाइव कर पाता है, ओके, यानी कि कैसा भी वातावरण हो, किसी भी प्रकार का परिस्थिति हो, चाहे टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो जाए, या टेम्परेचर प्लस में बहुत ज़्यादा क्यों ना हो जाए, ठीक है, ये कैसे भी परिस्थिति होगा, उस परिस्थिति में मोनेरा जगत में आने वाले जीव ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं, ओके, चलो अब देखो अगर हम इसमें पोषण की बात करें तो ये जो होता है पोषण के दृष्टिकोण से कुछ सोपोषी भी हो सकते हैं और कुछ परपोषी भी हो सकते हैं, ओके, याद रखिएगा सोपोषी का मतलब हो गया जिनमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल अगर है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, और जिस जीव में फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया पाया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, यानी कि सोपोषी बोलते हैं, ठीक है, जिनमें आपका हरित लवक नहीं होता है वो अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं कर पाते, तो वो किसी न किसी रूप से किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। याद रखिएगा मोनेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें अधिकांशतः परपोषण ही पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका जीवाणु, देखो जीवाणु के वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, ठीक है, और ये जो जीवाणु होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव के शरीर में रह करके उसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनमें अधिकांशतः परपोषण ही पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवाणु के अंतर्गत आते हैं, यानी यूँ कह लें कि मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, जो बड़े बड़े जटिल अणुओं के मर जाने के बाद, ठीक है, या बड़े बड़े पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के मरने के बाद उसको डिकम्पोज करने का काम करता है, ठीक है, यानी अपघटित करने का काम करता है, ओके, तो समझ में आ गया कि पोषण के दृष्टिकोण से किस प्रकार के जीव हो सकते हैं, स्वपोषी या परपोषी, ठीक है, एग्जांपल्स याद रखिएगा, जितने भी जीवाणु हैं, ठीक है, या फिर नील हरित शैवाल हैं, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा, आपका मोनेरा के अंतर्गत आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन मैक्सिमम जो होता है वो एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर नील हरित शैवाल जो है, अगर नील हरित शैवाल कहेगा तो मोनेरा, लेकिन अगर पूछ लेगा कि डायरेक्ट शैवाल किसके अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा ये आता है थैलोफाइटा के अंतर्गत, ओके, सिर्फ अगर शैवाल पूछ ले तो थैलोफाइटा, और अगर नील हरित शैवाल कह ले तो मोनेरा के अंतर्गत, साइनोबैक्टीरिया किसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत, माइकोप्लाज्मा किसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत, और यही माइकोप्लाज्मा जो है यह सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अब अगर बात कर ले माइकोप्लाज्मा प्रकृति की सबसे छोटी जीवित कोशिका है, मैंने तुरंत बताया ये वाला पॉइंट। अब देखो जो जीवाणु होता है या मोनेरा के अंतर्गत जो जीव होते हैं उनमें अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे जो विकसित ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है, यानी द्विकुंडलित रूप में पाया जाता है, ठीक है, आपका जो मोनेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें डीएनए डबल हेलिक्स के रूप में नहीं होता है। अच्छा आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, यानी डीएनए का द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था, क्या उसमें वॉटसन थे और एक और वैज्ञानिक थे, ठीक है, और उनका नाम क्या था वो आप हमें कमेंट करके बताओगे। मैंने एक बता दिया, एक वॉटसन होता है, दूसरे कौन है, दो वैज्ञानिक ने मिलकर के दिया था यह थ्योरी, ओके, चलो तो इनमें जो डीएनए होता है वह हिस्टोन रहित होता है, ठीक है, और सिंगल होता है, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल नहीं होता है, डबल हेलिक्स मॉडल नहीं होता है, ओके, चलो अब देखो अगर इनमें हम क्रोमोसोम की बात करें तो जितने भी मोनेरा के अंतर्गत जो जीव होते हैं इनमें तो डबल हेलिक्स मॉडल नहीं होता है, इसका मतलब है कि इनमें जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में नहीं होंगे, सिंगल क्रोमोसोम होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अब चलो जीवाणु एक कोशिकीय हरित लवक रहित जीव है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो अगर हम सिंपली जीवाणु का स्ट्रक्चर की बात करें तो जीवाणु के शरीर का स्ट्रक्चर बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जनरली जो आपको जीवाणु पाया जाता है वो कौमाकार पाया जाता है, ठीक है, अगर हम एक जीवाणु की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जीवाणु का, ठीक है, जिसमें जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी कोशिका का सबसे जो बाहरी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो किसी कोशिका का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको बोला जाता है, अगर एनिमल है तो
क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, और अगर प्लांट है तो कोशिका भित्ति। लेकिन जब जीवाणु आ जाएगा तो जीवाणु में कोशिका भित्ति भी पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली भी पाया जाएगा, और इसमें एक और संरचना होता है जो सबसे बाहर होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। तो जंतु का बाहरी, जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जो जीवाणु कोशिका होता है उसके बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। तो क्या जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है? जी, पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद जो लेयर होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, और सबसे आंतरिक लेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, ओके। जैसे कि मान लो कि यह अगर कोशिका है या जीवाणु है कह लो, ठीक है, तो इसका जो सबसे बाहरी परत होगा इसको बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर वाला जो पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल, यानी कि कोशिका झिल्ली। और उसके अंदर एक और लेयर होगा इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा कोशिका भित्ति, सेकंड बीच वाला, सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स, और सबसे अंदर वाला कोशिका झिल्ली, ओके। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जितने भी एक कोशिकीय हरित लवक जीवाणु होते हैं, ठीक है, हरित लवक रहित जीव होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कह लो जीवाणु जो होता है उसमें हरित लवक नहीं होता है, तब तो ये पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं और हमको बीमार कर देता है, ओके। देखो, जीवाणु का खोज एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, नाम था एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। कब किया था? 1683 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी जगह अगर वायरस का पूछ देता, ठीक है, वायरस का खोज किसने किया, तो इवानोवस्की ने किया था। जीवाणु का खोज लुवेनहॉक और वायरस का खोज इवानोवस्की ने किया था, ओके। देखो, सभी जीवाणु का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। मैंने अभी बताया, गोल भी होता है, दंडाकार भी होता है, कोमाकार भी होता है, ठीक है। अधिकतर जीवाणु जो होता है वो दंडाकार के रूप में पाया जाता है, ठीक है, और दंडाकार जीवाणु जो होता है ये रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के आधार पर इसका नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना कि अगर गोल जीवाणु पूछ ले तो गोल जीवाणु को कोकई कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें मैंने जितने पॉइंट्स बताए सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, या आप एक वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। दंडाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है? बेसिलस कहा जाता है, ठीक है, और कामाकार जीवाणु को स्पाइरिला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कामाकार जीवाणु को क्या कहेंगे? स्पाइरिला, दंडाकार को बेसिलस, और गोल को कोकई, ठीक है। आप लोगों ने दही वगैरह में देखा होगा, ठीक है, दंडाकार जीवाणु। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, अब हम लोग इसका एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था? तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली जो है वो किसने दिया था? आरबीटेकर ने दिया था। आरबीटेकर के द्वारा जो डिवाइड किया गया था पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली, उसमें पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। तीसरा था फंजाई। चौथा था प्लांटी। और पांचवा क्या था? एनिमेलिया। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली का भाग नहीं है। तो देखो, मैंने अभी बताया था मोनेरा, क्या मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा तो है ही, प्रोटिस्टा है ही, फंगी है, लेकिन मेटाफाइटा पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, तीसरा जगत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखो, लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण प्रणाली दिया था, ठीक है, जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिसमें प्लांट और एनिमल का कॉमन कैरेक्टर मिलता था, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने तीसरे जगत का प्रस्ताव रखा, प्रोटिस्टा का। तो वो कौन थे? तो वो थे आपका E.H. हीकल, ओके। तो तीसरे जगत का प्रस्ताव किसने दिया था? E.H. हीकल ने दिया था। निम्न में से कौन तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? देखो, तो कौन नहीं है? मैंने बताया, पहले प्लांटी था और उसके बाद एनिमल था जिसको लिनियस ने दिया था, और तीसरा कौन था? प्रोटिस्टा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर मोनेरा हो जाएगा। तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली का हिस्सा मोनेरा नहीं है। अगला है, इस जगत में सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है, आप बताओ कि इसमें किसे सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, ओके। तो देखो,
जो आपका मोनेरा है इसके अंतर्गत सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। मैं एक बार इसमें ब्रीफ जानकारी दे दूं, मोनेरा में सरल प्रोकैरियोटिक, कैसा प्रोकैरियोटिक, ओके। प्रोटिस्टा में सरल एक कोशिकीय होगा लेकिन यूकैरियोटिक, और प्लांट में प्लांट को और एनिमल में एनिमल को। जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत रखा गया है, तो इसे रखा गया है मोनेरा के अंतर्गत। किसमें हिस्टोन रहित डीएनए पाया जाता है, तो जो आपको मोनेरा है इसमें हिस्टोन रहित डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और अगर क्रोमोसोम की संख्या की बात करेगा तो एक होता है, तो आपको मोनेरा करके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो याद रखोगे कितनी होती है, एक होती है। आगे देखो, गोल जीवाणुओं को क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया जीवाणु का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जो गोल जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, कोकई कहा जाएगा। कॉम आकार जीवाणुओं को क्या कहा जाता है, तो देखो गोल जीवाणुओं को कहा जाता है कोकई, लेकिन जो कॉम आकार होगा उसे क्या कहेंगे, स्पाइरिला कहेंगे, और जो दंडाकार जीवाणु होगा उसे क्या कहेंगे, बेसिलस कहेंगे। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, गोल जीवाणु होगा तो उसको क्या कहा जाता है, कोकई, ओके। जो कॉमाकार होगा उसको कहेंगे स्पाइरिला, ठीक, और जो दंडाकार होगा उसे क्या कहेंगे, बेसिलस कहेंगे। आगे है, 1675 में जीवाणु का खोज किसने किया, तो मैंने बताया जीवाणु का खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था। देखो मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, सेल का डिस्कवरी किसने किया था, जो सेल है उसको खोजा था 1665 में रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, लेकिन ये जो सेल था आपका डेड सेल था, ठीक है। यानी अगर आपसे कभी पूछते हैं कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, या ऐसे पूछ ले निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया, फिर भी रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछ लेगा कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो देखो सबसे पहला सजीव कोशिका खोजा गया था, वह कौन सा कोशिका खोजा गया था, जीवाणु को ही खोज किया गया था, ठीक है। और इस जीवाणु का खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो आप जवाब दोगे इवानोवस्की। आगे देखो, इनमें से क्या जीवाणु में नहीं पाया जाता है, तो देखो जीवाणु में आपको क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो जीवाणु में आरएनए होता है, ठीक है, सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति और फ्लैजिला होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये आपका एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेन है, ठीक है। और हमें पता है कि जीवाणु जो होता है वो मोनेरा के अंतर्गत आता है, और मोनेरा के अंतर्गत वैसे जीवों को रखा गया है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोशिकांग नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है जीवाणु में क्या नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा मोनेरा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।